फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विद मुशाहिद में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई विश आप लोग अच्छे हों और अच्छे से स्टडी कर रहे हों। कल पिछली वीडियो आप लोगों को कैसी लगी पॉलिटी की? मतलब ज़्यादा बच्चों ने नहीं देखी है, तो अब मैं फ़िलहाल दूसरी वीडियो लेकर आ रही हूँ। उसके आगे के अधिनियम वगैरह आप लोग बताइए। मैं इसको जो है ऐसी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो आपके एग्ज़ाम में टैट, सी टैट और यूपी टैट टाइप जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए, इन सभी और पीसीएस वगैरह के जो हैं वन डे एग्ज़ाम जितने भी हैं नॉर्मल, उन सब के लिए प्रैक्टिस इन्हीं के थ्रू हो जाएगी। आप लोगों को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। और यह बस आप लोग फीडबैक देते रहिए कि आप लोग को और क्या क्या इसमें चाहिए। इसकी तो सारी प्रिपरेशन मैं आपकी करा ही रही हूँ, ठीक है? तो अब हम बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। कल हमने जो है वो मतलब देखा कि किस तरीके से भारत में संविधान के लिए एक शुरुआत हुई थी, किस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण किया था और किस तरीके से उसके अधिकारों को, प्रशासनिक और व्यापारिक अधिकारियों को अधिकारों को समाप्त करके जो है वो क्राउन का शासन किस तरीके से 1858 में भारत के ऊपर आया, और उसके बाद जो है क्राउन के शासन में ही किस तरीके से चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ रही कि जो वायसराय था उसे अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली, और जो है बजट पे बहस करने की भारतीयों को शक्ति मिली, प्रश्न वगैरह पूछ सकते थे भारतीय लोग, ठीक है? विभागीय प्रणाली शुरू हुई। और उसी के आगे का अब मैं लेकर आ रही हूँ भारत सरकार अधिनियम 1909। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है, क्योंकि इसमें जो है सबसे बड़ी चीज़ ये थे, इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। उस वक्त जो हमारे गवर्नर वायसराय जो थे वो हमारे थे लॉर्ड मिंटो, और जो भारत सचिव थे, जो सचिव का पद 1958 में शुरू हुआ था, वो थे लॉर्ड मार्ले, ठीक है? तो इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा गया है। इसका जो सबसे प्रभावपूर्ण और सबसे बड़ा कदम जो इसमें उठाया गया था वो ये था कि इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन को शुरू किया गया था। इसका मतलब यह है कि इसमें पृथक निर्वाचन, यानी कि एक तरीके से भारत में जो है विभाजन की प्रणाली जो है वो शुरू कर दी गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा। उन्होंने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की थी। इसका मतलब यही था कि हमारा जो समाज था उसमें सभी एक साथ रहते थे, धर्म जाति या कोई भी इस तरीके के मतलब पहली चीज़ें नहीं थीं, लेकिन जो है वो इससे यहाँ उन्होंने डिवाइड एंड रूल वाली जो है वो पॉलिसी को अपनाया, यानी कि बांटो और राज करो, और उन्होंने मुस्लिमों को जो है वो अलग निर्वाचन दिया, जिससे मन में एक बहम आए कि हाँ कि हमारे लिए भी कुछ और अच्छा हो सकता है, जिससे आपस में फूट पड़े और उन लोगों को प्रशासन करने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये जो है 1909 का अधिनियम, ये सबसे ज़्यादा जो है विशेष रूप से जाना जाता है कि इसमें जो है पृथक निर्वाचन की प्रणाली को प्रारंभ किया गया था, और ये मिंटो मार्लो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा, इसके क्वेश्चंस काफ़ी बन जाते हैं, ठीक है? अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ये है भारत सरकार अधिनियम 1919। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो है वो इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेग्यू जो थे वो सचिव थे, ठीक है? मॉन्टेग्यू सचिव थे और चेम्सफोर्ड जो थे वो वायसराय थे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं कि 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, इसमें सचिव कौन से थे या वायसराय का नाम बताइए, ठीक है? इस चीज़ का कन्फ्यूज़न मतलब ना रहे, इस तरीके से आप लोग पढ़िएगा। इसमें जो पृथक निर्वाचन प्रणाली 1909 में स्टार्ट की गई थी उसको इसमें और विस्तार किया गया था, उसका विस्तार इसमें किया गया था, और साथ में जो है वो केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। मतलब अभी तक जो थी उसमें सिर्फ एक ही मतलब सभा होती थी, लेकिन इसमें जो है उसको द्विसदन में बांट दिया गया था। पहली जो थी वो राज्य परिषद थी, यानी कि राज्यसभा, और दूसरी जो थी वो केंद्रीय विधानसभा थी, लोकसभा। ये मतलब जो इस समय संसद का एक प्रारूप है उसी की तरह हुआ था तब। राज्यसभा यानी कि उच्च सदन था और लोकसभा यानी कि निम्न सदन था, ठीक है? इसी के कुछ जो हैं और भी पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताती हूँ अभी। इसमें जो है भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान भी किया गया।
लोक सेवा मतलब जो भी PCS या IAS के जो रैंक की मतलब जो जॉब रहती हैं उनके लिए एक आयोग का गठन किया गया कि उसमें भारतीय लोग भी हिस्सा ले सकें। और प्रांतों का राजस्व जो था वो केंद्रीय राजस्व से अलग हो गया, क्योंकि इसमें द्वि सदन की जो है वो हो गई थी, तो इसमें जो प्रांत थे यानी कि इसमें गलत लिखा है, आरक्षित और हस्ताक्षरित कर दिया, इसमें गलत लिखा है तो थोड़ा क्रॉस कर दिया करो ना, उसके बाद में उसका ये इसे ब्लैक कर दिया करो, चाहे उसके आग में ठीक है, ये किया गया था, क्या है तुम डिस्टर्ब हो रहे हो, सांस नहीं आ रही है पूरी, क्या है जल्दी से जीना चढ़ के आई थी ना, इसमें से एक बार पूरा पढ़ के उन्हें सुना दूंगी। ठीक है, इसमें जो है ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, एक बार मैं फिर से इन सारी चीज़ों को रिपीट कर देती हूँ कि इसको जो है मॉन्टेग्यू चेंसफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता था, और इसमें जो है वो केंद्रीय विधान परिषद की जगह द्वि सदन की मतलब विधानमंडल कर दिया गया था, एक राज्यसभा और एक लोकसभा नाम से, राज्यसभा जो था वो उच्च सदन माना गया और लोकसभा को जो है वो निम्न सदन माना गया। और इसमें जो है जो 1909 में जो पृथक निर्वाचन की प्रणाली अपनाई गई थी उसी के आगे का इसमें मतलब उसका विस्तार इसमें और किया गया था, जैसे कि और जो धर्म के लोग थे सिख हैं या महिलाएं हैं इस तरीके का चुनाव में उसका विस्तार किया गया था, मतलब उन लोगों को भी पृथक निर्वाचन के लिए कहा गया था। दूसरी चीज़ ये हुई इसमें कि प्रांतों में जो है वो द्वैत शासन की पद्धति को भी लागू किया गया था, जिसमें जो है प्रशासनिक विषयों को केंद्र और राज्यों के बीच का बंटवारा जो है वो कर दिया गया था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है इसमें कि जो आरक्षित विषय थे वो गवर्नर के अधीन किए गए और जो हस्ताक्षरित विषय थे वो प्रांतीय विधानमंडल के अधीन किए गए थे। इस पर कई बार क्वेश्चन आ भी चुके हैं, ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935। ये जो है ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है 1935, क्योंकि ये जो है वो अभी तक का सबसे बड़ा अधिनियम था और लगभग इसमें से 250 अनुच्छेदों को लिया गया है जो कि हमारे वर्तमान संविधान में मतलब इससे लिया गया था। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो हुई थी वो थी अखिल भारतीय संघ का निर्माण, मतलब एक प्रस्ताव पारित किया गया था जिसमें अखिल भारतीय संघ के निर्माण का प्रस्ताव था, लेकिन ये अभी तक अस्तित्व में नहीं आया। ठीक है, मतलब कभी अभी फिलहाल तब से अब तक अस्तित्व में नहीं आया। दूसरी चीज़ जो है वो केंद्र में द्वैत शासन प्रारंभ, यानी कि जो 1919 में राज्यों में उन्होंने द्वैत शासन प्रारंभ किया था उसको समाप्त करके केंद्रों में द्वैत शासन प्रारंभ कर दिया गया। फिर जो नेक्स्ट चीज़ हुई वो थी बर्मा भारत संघ से अलग कर दिया गया, मतलब भारत संघ जो था उससे बर्मा जिसे अब आप म्यांमार के नाम से जानते हैं उसको भारत से एक अलग कर दिया गया, वो अलग देश बन गया। इसमें जो है वो सूचियों का विभाजन भी कर दिया गया, सूचियों का विभाजन से मतलब है जो मैं अब आपको आगे पढ़ाऊँगी उसमें जो सूचियाँ हैं केंद्र सूची राज्य सूची और संवर्ती सूची जिसे जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ये उन्हीं सूचियों के बारे में बता रहा है। मतलब क्या केंद्र के विषय जो मतलब काफ़ी ऐसे विषय हैं जिनको बांट दिया गया, कुछ विषय थे जिन पे जो है वो केंद्र सरकार नियम बनाएगी, कुछ पे जो है वो राज्य सरकार नियम बनाएगी, ठीक है, और कुछ विषय ऐसे लिए गए जिन पे दोनों मिलकर जो है वो सरकारें नियम बनाएंगी, तो यहाँ सूचियों का विभाजन भी किया गया। और RBI की स्थापना, यानी कि जो हमारे देश की केंद्रीय बैंक है या जिसे देश की बैंक केंद्रीय बैंक बोला जाता है, RBI यानी कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की भी स्थापना की गई थी। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और इसमें जो है वो एक संघीय न्यायालय की स्थापना भी की गई, यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं इस समय सुप्रीम कोर्ट, उसमें जो है वो मुख्य न्यायाधीश इसमें जो है वो संघीय न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें एक आपका मुख्य न्यायाधीश भी थे और अन्य न्यायाधीश भी थे। ठीक है, आप लोग
जो है इस चीज़ को ध्यान रखिए कि संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई, तो वो था भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, फिर संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना हो गई, यानी कि UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना भी जो हो गई, जो पिछले अधिनियम में जिसके गठन का एक प्रस्ताव रखा गया था। इसमें जो है जब ये अंग्रेज़ों के टाइम में होता था तो इसमें एज जो थी वो 21 वर्ष थी, लेकिन उसको भारतीयों की वजह से कम करके 18 वर्ष कर दिया गया था। और इसका एग्ज़ाम भी भारत में नहीं होता था बल्कि लंदन जाना पड़ता था देने के लिए। अब तो बहुत सुविधाएं हैं, यहाँ सारे एग्ज़ाम हो जाते हैं। ठीक है, इसमें नेक्स्ट जो है वो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है ये, मतलब वर्तमान में जो हमारा संविधान है ये उसका सबसे बड़ा स्रोत है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि 250 के लगभग अनुच्छेद जो हैं वो इसी से उठा के, मतलब डायरेक्ट इससे लिए गए हैं वर्तमान संविधान में। ठीक है, और इसमें जो है सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार भी इसमें और किया गया था, जैसे ईसाई हैं, यूरोपीय हैं, हरिजन हैं, उन सभी लोगों के लिए। ठीक है, जो निर्वाचन पृथक निर्वाचन 1909 से स्टार्ट हुआ था तो धीरे धीरे उसका जो है वो विस्तार आगे किया जा रहा था। और एक चीज़ और इसमें इम्पोर्टेंट है, जो इसमें संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना है, इसमें जो भारत में सबसे पहले जिन्होंने भारतीय जो थे जिन्होंने सबसे पहले क्लियर किया था एग्ज़ाम, वो थे व्योमेश चंद बनर्जी। ठीक है, इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये जो है वो 1935 के विषय में लास्ट जो है, इस अधिनियम के अंतर्गत 1937 में विधानमंडल चुनाव भी संपन्न हुए थे। और यह जो है भारतीय संविधान के निर्माण की दिशा में एक प्रगतिशील कदम माना जाता है, क्योंकि ये जो था वो लास्ट था, आखिरी था 1935 का भारत सरकार अधिनियम, और इसमें जो है काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ों, मतलब बड़े बड़े कदम जो हैं वो उठाए गए थे। और इसके बाद से ही भारत संविधान के निर्माण में एक कदम और आगे बढ़े थे, जिसकी वजह से जो आज संविधान हमारे सामने है उसमें इसका, यानी कि 1935 भारत सरकार अधिनियम का एक बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो बाकी सारी जानकारी मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ, बाकी ये है आप लोग बताइए कि, और मुझे मतलब इसमें अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। ठीक है, बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।